क्वेश्चन नंबर 11, अ पैसेंजर अराइविंग इन ए न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू ए होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन फुल अ डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक्स हिम अलोंग ए सर्किटियस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट्स व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर दे टू इक्वल। क्वेश्चन ये कहता है कि एक कोई भी पर्सन था वो स्टेशन से बाहर निकला, होटल जाना था भाई साहब को, लेकिन एक टैक्सी में बैठ गए। अब टैक्सी वाले मीन्स होटल स्टेशन और होटल के बीच का जो डिस्टेंस था इट वॉज 10 किलोमीटर। टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाले भाई साहब ने इनको उल्टे रास्ते उल्टे सीधे रास्ते पे घुमाया और यहाँ पहुँचा दिया मीटर का बिल बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस इनको पढ़ा दैट वॉज 23 किलोमीटर। आपको वेलोसिटी और स्पीड बतानी है तो सबसे पहले हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। सो एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू स्पीड क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। सो टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। नाउ वॉट इज टोटल पाथ लेंथ, कितना है टोटल पाथ लेंथ? देखिए टोटल पाथ लेंथ इज 23 किलोमीटर। यही वाला पाथ तो लेंगे आप, टोटल पाथ तो यही होगा, ठीक है, क्योंकि वो गए इसी रास्ते से 23 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? टाइम लगा है 28 मिनट्स का टाइम लगा है, इतना ही लगा है ना, हाँ 28 मिनट्स लगे। अब इसको जरा आप 28 को आवर्स में चेंज कर लीजिए, तो 28 डिवाइडेड बाय 60, सो इट विल बी 4 से डिवाइड करें तो 7 डिवाइडेड बाय 15 आवर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। सो इट विल बी 7/15 आवर। सो 23 × 15 डिवाइडेड बाय 7, देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 15 को 7 से, सो इट विल बी 23 × 2.14, और इसको मल्टीप्लाई किया 23 4, इट विल बी 92, 9 कैरी, 23 1 जा 23, सो 9 आपने ले लिया, 3 हो गया, सॉरी 32, 3 कैरी, 23 2 जा 46 + 3 49, सो 49.22 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड आ गई। ठीक है, नाउ एवरेज वेलोसिटी, अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर और टाइम तो भाई टोटल टाइम काउंट होगा। ठीक है, तो 7/15, सो 10 × 15 डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आ गई, 2.14, सो इट विल बी 21.4 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज एवरेज स्पीड। क्या समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।